गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम लेसन नंबर 5 करेंगे। वचन। वचन का मतलब क्या होता है? नंबर। वचन का मतलब क्या होता है? नंबर। जिस भी संख्या से एक या अनेक वस्तु होने का बोध होता है, जिस शब्द से, देखो शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है कि संख्या एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। जैसे यह लड़का खाना खा रहा है, यह लड़का खाना खा रहा है, तो एक लड़के का बोध हो रहा है। अब जैसे कि लड़के खाना खा रहे हैं तो बहुत सारों का बोध हो रहा है, तो लड़का और लड़के जो शब्द है वो क्या होंगे? वचन। जैसे लड़की गाना गा रही है, एक ही लड़की है, लेकिन मैंने बोला लड़कियां गाना गा रही है, तो क्या हो गया? दो क्या हो गया? एक से अधिक लड़कियों का बोध हुआ, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब बुक के माध्यम से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे बुक में आपको बताया गया, देखो बेटा ध्यान से, वचन से बोध होता है संख्या का। वचन से क्या बोध होता है? संख्या का। शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। मैंने बोर्ड पे भी आपको ये परिभाषा लिखवाई है। आगे देखो, चित्रों को देखो। जैसे लड़की, एक एक लड़की है, फिर लड़कियां, तो अनेक हो गई ना, एक और अनेक, यानी एक वचन। एक के बारे में जहां बताया जाता है वो होता है एक वचन, और जहां अधिक के बारे में बताया जाता है वो होता है बहुवचन। अब देखो पतंग, एक पतंग है और पतंगे, बहुत सारी पतंगे होगी ना, पतंग और पतंगे। अब आप देखो गाय, एक गाय और गाय, गाय यानी अनेक गाय हो गई, तो गाय मतलब एक वचन और गाय मतलब बहुवचन। कुत्ता, एक शब्द और कुत्ते क्या हो गए? बहुत सारे कुत्ते हो गए, तो इसको क्या कहेंगे? बहुवचन। जहाँ एक शब्द एक संख्या का बोध होता है वो होता है एक वचन, जहाँ अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। अब देखो वचन के प्रकार, परिभाषा भी दी गई है। पहला एक वचन, मैंने आपको अभी बताया है, शब्द का जो रूप एक ही वस्तु का हमें पता लगा, एक ही वस्तु के बारे में हमें पता लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। उसे हम कहते हैं एक वचन। देखो परिभाषा पढ़ो, शब्द का जो रूप एक ही वस्तु का बोध कराता है यानी पता लगता है जिससे, उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे लड़का, बुढ़िया, घोड़ा, पुस्तक, लता, नदी, कॉपी आदि। देखो सबसे एक एक वस्तु के बारे में पता लग रहा है। जैसे लड़का, घोड़ा, अगर लड़के की जगह लड़के होता तो बहुवचन हो जाता, घोड़ा की जगह घोड़े होता तो बहुवचन हो जाता, और जैसे किताब की जगह किताबें होता तो बहुवचन हो जाता। नदी है, एक ही नदी के बारे में पता चल रहा है। इसके बाद आप देखें प्रश्न, दूसरी परिभाषा इसकी, दूसरी परिभाषा में है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है यानी कि पता चलता है उसे हम कहते हैं बहुवचन। उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे लड़के, बुढ़िया, घोड़े, पुस्तकें, लताएं, नदियां, कापियां आदि। लड़के बहुत सारे हो गए, उसमें आपको एक किताब बताई गई थी। आप देखो इसमें एक लड़का, इसमें लड़के, इसमें किताब, उसमें किताबें, तो एक दो एक से बहुवचन में बन गई संख्या। आप देखो घोड़ा का हो गए घोड़े, नदी का हो गई नदियां, तो यानी कई नदियों का संबोधित हो रहा है। उसके बाद देखें वचन परिवर्तन, एक वचन है और इसको बहुवचन में बदल दे। जैसे चूहा, चूहे, तारा, तारे, राखी, राखियां, मुर्गा, मुर्गे, भैंस, भैंसे, दासी, दासियां, रानी, रानियां, बोली, बोलियां, पुस्तक, पुस्तकें, दवात, दवाते, संतरा, संतरे, पंखा, पंखे, रात, राते, पेंसिल, पेंसिलें, आँख, आँखें, कली, कलियां, सखी, सखियां, नदी, नदियां, ताला, ताले, कलम, कलमें। ये आपकी वचन वाला लेसन मैंने पढ़ा दिया है। ये आपको पेज नंबर कितना है ये बेटा? पेज नंबर है ये आपका 24। पेज नंबर 24 की ये जो लिखे हुए हैं एक वचन से वचन परिवर्तन वाले आपको कॉपी में भी उतार दिए। चौबीस में जो वचन परिवर्तन है ना, ये आपको कॉपी में भी लिखना है। वचन परिवर्तन करें,
वचन परिवर्तन करें। ये दो दे रखे हैं आपको, ये दोनों आपको कॉपी में भी उतारने हैं, प्लस ये परिभाषाएं। वचन किसे कहते हैं? एक वचन की परिभाषा बहुवचन की। एक वचन देखो शब्द का जो रूप एक ही का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का, गुड़िया, घोड़ा, उसके बाद वो बहुवचन। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ये क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेम जाएगा वर्क, क्योंकि सेम आपका लेसन है, परिभाषाएं आपकी सेम है। आप इस वर्क को अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में उतारेंगे। जो मैंने दो कॉपियां बनाई है, एक तो हिंदी रीडर है, एक हिंदी व्याकरण है, तो ये आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है बेटा। थैंक यू।